इंतजार था वो फाइनली आज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है आपके सच का, तो क्या कहना चाहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस यू गेटिंग फ्रॉम योर फैंस? बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड जो स्टोरी है जिस पे है आधारित, एक बुराड़ी केस पे जिसका जो एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उस पे है, बट लोगों का बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो हमारा शो उसी के ऊपर है। एंड हमारा शो हॉटस्टार पे आने वाला है जिसका नाम है आखिरी सच, एंड आप मुझे भी उस पर देख पाएंगे, काफ़ी टाइम से उस पर हम काम कर रहे थे, एंड नाउ इट्स फाइनली कमिंग ऑन 25th August, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। 15 अगस्त तो बहुत स्पेशल होता है हम सबके लिए, एंड बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा होता ही होता है, साथ में एक पतंग उड़ाने का एक बहुत बचपन से एक फेस्टिवल के जैसा ही मनाया जाता है, और मैं खुद दिल्ली से हूँ तो और दिल्ली में तो ये पतंगबाजी और पेचे लड़ाना और ये सब कुछ तो बहुत फेमस है, तो मैं उस सबको बहुत मिस करता हूँ। बचपन में कोई मेमोरीज बताएंगे आप 15 अगस्त की? 15 अगस्त की मुझे सच बताऊं एक ही मेमोरी है, एक ऑब्वियसली अपना एज अ प्राउड इंडियन हमारा जो झंडा है उसके लिए एक रिस्पेक्ट, उसको लहराना, उसके लिए प्राउड होना, सबको विश करना, एंड सेकंड उसके बाद छत पे चले जाना, अपने पतंग उड़ाना एंड एंजॉय करना। कभी लाइनें लगाई स्कूल में, जैसे कि हम दो दो चॉकलेट्स के लिए लाइनें लगाते हैं बच्चे, तो कभी इस तरीके की चीज़? हाँ हाँ 100% क्यों नहीं करी है, ऐसे हमेशा हमेशा इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल में, चाहे वो कल्चरल फेस्ट हो या फिर परफॉर्म करना हो या फिर एनसीसी की एक मार्च पास होती है, तो उस सब पे पार्टिसिपेट किया। जी your screen timing in this film? So first of all it's my first web series, and अभी तो जस्ट ट्रेलर आया ही है, सो आई डोंट वॉन्ट के अभी जब आप धीरे धीरे देखेंगे तभी आपको एक आखिरी सच पता लगेगा, बट आई लव्ड इट यार, मतलब मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड एज एन एक्टर तो आपका खुद का एक हार्डवर्क होता है, यू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट एज एन ऑडियंस भी देख के बहुत मज़ा आया, और एक एक अब वेट नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है क्या होगा, एंड उसी के लिए वेट कर रहे हैं। जी लुक इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू बी वर्किंग विद गुड पीपल एंड पीपल हु आर ऑलरेडी देयर, तो जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, ऑल आर लाइक कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑल आर वर्किंग रियली गुड इन द इंडस्ट्री, सो एक टीम बहुत अच्छी बनती है, मज़ा आता है काम करने में, एंड और आप इन्वॉल्व होते हो। आई एम श्योर मज़ा तो सारे मीडियम में ही आता है, टी वी में मैंने बहुत टी वी किया है, टी वी में भी बहुत मज़ा आता है, फिल्म भी करी हैं, फिल्म का भी एक अलग एक्सपीरियंस है, ये मेरी फर्स्ट वेब सीरीज़ है, बट यस एक अलग, और ये टॉपिक एक बहुत अलग है बिकॉज आप सब ने मुझे एक हैप्पी गो लकी रोल में देखा है, एक रोमांटिक इमेज में देखा है, एक इंटेंस कैरेक्टर में देखा है, ये काफ़ी अलग है व्हेन यू सी द शो, सो मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स, मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा, आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड वंदे मातरम। Thank you so much. I wish you all a very, very, very happy Independence Day.